हाय फ्रेंड्स, रोशनी दीदी का ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज मैं बना रही हूँ मछली। तो कैसे बनाती हूँ मैं मछली, आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैं मछली ले आई हूँ, अभी इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने मछली को अच्छे से धो लिया। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी, रेड चिली और डालूंगी इसमें नमक। तो इसे अब देखें, अभी मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। इधर कढ़ाई चढ़ा दिया था, कढ़ाई गर्म हो गया, अभी मैं इसमें तेल डाल देती हूँ। तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें मछली फ्राई कर लूँगी। तेल गरम हो गया है, अभी मैं इसमें मछली डाल देती हूँ। अभी देखते हैं मछली साइड फ्राई हुआ है कि नहीं। तो देखिए, एक साइड मछली हो गया फ्राई। तो मछली मेरा दोनों साइड फ्राई हो गया है, देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी जाती हूँ, मसाला तैयार करती हूँ। इधर मैंने मसाले के लिए लिया है, इधर सरसों है, यहाँ जीरा धनिया जो मैंने हल्का गरम कर लिया, इसको भून लिया है, और इधर है लहसुन। अभी ये तीनों को मिला के मैं पीस लेती हूँ, उसके बाद मसाला तैयार करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अभी मैं मसाला पीस रही हूँ। मसाला अभी तैयार हो गया है ऑलरेडी। अभी ये पीस के उसके बाद मैं बनाना स्टार्ट करूंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। अब मैं इसमें मिला देती हूँ हल्दी, और मैं जितना तीखा खाती हूँ उस हिसाब से मैं रेड चिली पाउडर मिलाती हूँ। तो ये मैंने मिला दिया, और इधर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो रहा है। और इधर मैंने काट के रखा है, इधर टमाटर काट लिया है, और ये प्याज। तो हर कोई प्याज देता नहीं है, मैं प्याज डालती हूँ मछली में क्योंकि स्वाद भी आता है और मछली का कलर भी अच्छा होता है। तो मैं मछली में जब मसाला भूनने से पहले मैं प्याज डालती हूँ। और इधर मैंने जो जीरा धनिया और सरसों पीस के रखा है, और इधर लहसुन। अभी चलिए, तेल गर्म हो गया है, अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ मैं अभी दे देती हूँ थोड़ा सा जीरा, ये मैंने डाल दिया जीरा। अभी मैं इसमें डाल दूंगी लाल मिर्च। अभी देखिए, इसमें जीरा और मिर्चाई हो गया। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी, ये मैंने ऊपर डाल दिया प्याज। अब इसको भून लूंगी हल्का, जब ये हल्का ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसमें मसाला डालूंगी। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, देखिए आप लोग। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाला। अब मसाला को भून लेंगे। तो आप लोग देखिए, मसाला भुना गया है, इस मसाला का कलर भी चेंज हो गया। देखिए, पानी सूख गया है और अभी तेल छोड़ रहा है। मसाला अच्छे से भुना गया। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो कटा हुआ टमाटर, ये मैंने कटा हुआ टमाटर डाल दिया। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अभी मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। मैं ज़्यादा मछली का झोल नहीं बनाऊंगी, मैं थोड़ा ग्रेवी टाइप बनाऊंगी, तो इसमें थोड़ा सा ही नमक डालूंगी स्वाद अनुसार।
कितना अच्छा कलर आया है देखिए आप लोग। और टमाटर भी पक गया है, अभी मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें मैंने डाल दिया पानी। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता तब तक इसको हम लोग ढक देंगे। ये मैंने ढक दिया। चलिए देखते हैं उबाल आया कि नहीं। तो देखिए ये भी उबल रहा है। अभी हम इसमें मछली डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया मछली। मछली डाल दिए और गैस को थोड़ा कम कर देते हैं और ये धीमी आंच में इसको पकने देते हैं। तो जब तक ये पकता है चलिए आप लोग को कुछ दिखाते। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे कल गिफ्ट किया है, ये कुर्ती। ये बिहू का गिफ्ट दिया है उसने मुझे, स्नेहा नाम है उसका। तो कुर्ती आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस कलर में मेरा एक भी कुर्ती नहीं है और इस डिज़ाइन में भी नहीं है एक भी कुर्ती। इसमें देखिए मोती लगा हुआ है और मुझे ज़्यादातर ऐसे सिंपल कपड़े पसंद है और ये लॉन्ग है तो इसीलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगा ये कुर्ती। और मैं स्नेहा को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उसने मुझे गिफ्ट किया है और इस कलर में और इस डिज़ाइन में मेरा कुर्ती एक भी नहीं था और उसने मुझे गिफ्ट किया, तो इसीलिए स्नेहा को मेरी तरफ से थैंक यू। और मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती थी जो मैं आज करूँगी नहीं, बताऊँगी आप लोगों को, आप लोगों से शेयर करूँगी किसी और दिन। और चलिए आप लोगों का भी कुछ दिखाती हूँ। देखिए मेरा पंखा कितना गंदा हो गया है और इधर जो है मेरा बेडशीट भी फट गया है बेडशीट भी फट गया है। और जो है अभी मैं बाज़ार नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि अभी तो ये है नहीं और जब भी आते हैं ये क्या दो दिन के लिए ही आते हैं तो ये भी निकल के नहीं जाते हैं, मैं भी नहीं जा पाती हूँ कहीं। अभी सोच रही हूँ कि जब मेरी बड़ी सिस्टर आएगी तो उसके साथ थोड़ा जाऊँगी मार्केट और मुझे थोड़ा पार्लर भी जाना है, थ्रेडिंग भी करवाना है और मेरा बाल जो है स्पा करवाना है। तो तभी सोच रही हूँ कि बेडशीट और पिलो कवर लाऊंगी क्योंकि सिस्टर भी आ जाएगी तो सामान का ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी चल दिया चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि मछली हुआ कि नहीं हुआ। फ्रेंड देखिए मछली बन ही गया है। अभी मैं इसमें धनिया डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स देखिए मछली बनके तैयार है और मछली का कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है। देखिए अभी इसको खा के टेस्ट करेंगे, लेकिन टेस्ट तो अच्छा ही होगा क्योंकि मैं जब जब मछली मुर्गा बनाई हूँ बहुत अच्छा टेस्ट आया है और कोई भी खाते हैं तो तारीफ करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को किसी को भी खाना है तो आ जाइएगा, मैं आप लोग को मछली मुर्गा बना के खिलाऊंगी। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने खाने के लिए ले लिया है मछली का कलर, एक बार आप लोग फिर से देखिए कितना अच्छा है। इधर है प्याज, नींबू, चावल। तो चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने नींबू निचोड़ दिया और चलिए अभी खा के बताते हैं आप लोगों को कि कैसा बना है। टेस्टी है। आप लोग सोचिएगा कि अपने बना रहे हैं, अपने खा रहे हैं और अपने तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये सच में बहुत अच्छा बना है।
आप लोग रहते तो खाते तो फिर पता चलता, लेकिन विश्वास कीजिए बहुत अच्छा बना। तो फ्रेंड्स मैं खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। तो फाइनली गाइस मैंने खाना खा लिया है, मेरा हो गया, अभी मैं थोड़ा आराम करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, बाय।